केवड़िया में आज से दो दिवसीय खेल राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस सम्मेलन में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्रियों और प्रभारी सचिवों के साथ शिरकत किया जा रहा है। खेल मंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर जोर देते हुए कहा कि खेलों से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं है और एक इकाई के रूप में ये खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि क्यों ना युवा कार्यक्रम के माध्यम से भी पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, जिससे पीपल मूवमेंट बने और स्पोर्ट्स कल्चर उसके माध्यम से तैयार हो। जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बन सकता है और खेलों का वातावरण खड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। ये एकता नगर में इसका आयोजन इसलिए भी किया गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी कल्पना ही सरदार पटेल ने की थी। और खेलों में एकता सबसे बड़ी बात है। कोई भी खिलाड़ी जब भी किसी टीम का हिस्सा बनता है, कोई ये नहीं देखता है किस जाति धर्म किस समुदाय से आता है। वो केवल एक भारतीय के नाते उस टीम को रिप्रेजेंट करता है। कोई ये नहीं देखता है किस राज्य से आया है, किस क्षेत्र से आया है। वो केवल देश के खिलाड़ी के रूप में भाग लेता है। और अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल विभाग की अहमियत को बताया और कहा कि इसके साथ ही युवाओं की ताकत बढ़ती है। जब भी देश में बजट बने या राज्यों में बजट बने, अधिकतर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में बजट की दृष्टि से देखा जाए तो बाकी डिपार्टमेंट बहुत बड़े होंगे, लेकिन युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का जो एक दायित्व है वो बहुत बड़ा है। उसको बजट के साथ आंकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे युवाओं की और खेल की वो ताकत है